ध्यान से देखिए इस पार्ट को। इसे बनाने में सब लोगों को दिक्कत आ रही थी और मैंने इसे स्किप कर दिया था। सो आज के वीडियो में हम यही फिर से बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आया क्योंकि मैंने पिछली बार जो छोड़ दिया था उससे यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर से शुरू से बनानी पड़ी है। तो लाइक ज़रूर कर देना। तो इस बार मैंने लिया है 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड, एक ब्लैक चार्ट शीट, और इस कार्डबोर्ड को हम इस चार्ट शीट के ऊपर इस तरह से रखेंगे। बीच का जो गैप है वो हमने लिया है 3 सेंटीमीटर का, पिछली बार लिया था, इस बार 3.5 सेंटीमीटर का लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें अपडेट। तो यहाँ पर इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ डबल साइडेड टेप, इसकी वजह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो ग्लू की बात जो हमारे पेपर के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। तो हमने इसे इससे चिपका दिया है, बीच वाले पार्ट और सेकेंड वाले कार्डबोर्ड को भी हम डबल साइडेड टेप की मदद से शीट के ऊपर चिपका देंगे। ये फॉर्म वाली नहीं है, ये दूसरी वाली पतली वाली डबल साइडेड टेप है। नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हमने इस तरह से शीट के ऊपर रखा है, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को ड्रॉ करके इसे कट करके निकाल दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि कार्डबोर्ड को हमें इस ब्लैक शीट से कवर करना है और उसके लिए हम यहाँ से कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम फेविकॉल अप्लाई करके इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई थी, फिर भी बीच से ना बताने के बजाय मैंने शुरू से लिया है ताकि किसी को उनमें भी प्रॉब्लम रह गई हो तो वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अब इन सारे किनारों के ऊपर ग्लू लगाना है और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सूखते जाएंगे, मतलब इनको पूरा टाइम देना है सूखने का। और इस तरह से इस पर अप्लाई करते हुए अच्छे से इसे प्रेस करते हुए पूरी तरह से कवर कर लेना है। इस तरह से आप किसी भी स्क्रैप बुक का बेस आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी और बहुत ही कम खर्चे में। और अभी हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा पेपर ले रहे हैं ब्लैक कलर का, उससे इसके बीच वाले पार्ट को इस तरह से क्लोज करेंगे। तो इससे ध्यान से देखना, इसके लिए हमने इस तरह के पेज को लिया है, अच्छे से ग्लू अप्लाई किया है, जो बीच में हमने जो गैप छोड़े वहाँ भी ग्लू अप्लाई किया है। अब हम इसे अच्छे से यहाँ से प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से फोल्ड करके इसे अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास स्कोरिंग टूल है तो आप उससे इसको इस तरह से अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्केल की मदद से भी इसे कर सकते हैं। और ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, इसे धीरे धीरे करना है ताकि धीरे धीरे ये आराम से अंदर की तरफ चला जाए और पेपर फटे ना। तो इस तरह से हमें इसे यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ काम करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा क्लीन लुक आ गया इसका इस तरीके से करने से, और जो हमारा कार्डबोर्ड था वो बिल्कुल ढक चुका है। तो सेकंड वाली साइज़ पे भी बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। Thank you.
बेस बन गया है हमारा, और अब हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको कार्ड्स कैसे लगाने हैं, मतलब पेजेस कैसे लगाने हैं। पिछली बार मैंने सेलो टेप का यूज़ किया था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, मुझे इतना पता भी नहीं था। अभी मैं आपको अच्छा तरीका बताऊँगी। सबसे पहले तो आप शीट ले लेना, मैंने वाइट लिए, ब्लैक भी ले सकते हैं, जो मेज़रमेंट दिखा है वही, और 3 शीट लेनी है आपको, 3 शीट्स। अभी हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हमें चार्ट पेपर के ऊपर इसे डबल साइडेड टेप की मदद से इस तरीके से लगाना है। आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली शीट को हमने इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा के किनारों पर इसे चार्ट पेपर के ऊपर हम इसे चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम इस सेकेंड वाली शीट को भी सेम इसी तरीके से डबल साइडेड टेप की मदद से यहाँ पर लगाना है। उसके बाद जो तीसरी शीट है उसे हमने बीच में से फोल्ड कर लिया है और फिर उसके ऊपर लगाई है डबल साइडेड टेप। यही है वो एनवेलप वाला पार्ट जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या। जो हमने 3 शीट्स ली थी उसमें से 2 शीट्स तो हमने इस तरह से लगा ली, और तीसरी शीट को हमने बीच में से फोल्ड कर दिया है और उसे कुछ इस तरीके से हम इस चार्ट पेपर से कवर करेंगे कि बीच वाले पार्ट में ग्लू नहीं लगना चाहिए, और साइड से ये जो रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो वहाँ पर एक पॉकेट बन जाएगी जहाँ हम कुछ भी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी है। पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उस टाइम पर मैंने क्या सेलो टेप यूज़ करके करा था। अभी मैं आपको डायरेक्ट कार्ड शीट से कार्ड पेपर या क्राफ्ट पेपर की मदद से डायरेक्टली करना बता रही हूँ। दोनों में जो रिज़ल्ट है लास्ट का वो सेम आएगा। तो हमने इसे यहाँ से अच्छे से चिपका दिया है दोनों किनारों को, और इसके बाद हम इसके ऊपर जो बीच में लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पर भी हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी देख सकते हैं ये हमारा पेज बिल्कुल रेडी है, और हम इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस कर ले रहे हैं कि कहीं भी ग्लू नहीं, अच्छे से चिपका हो तो चिपक जाए। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से रेड कलर की शीट्स को यहाँ पर लगा देंगे। अगर ये इसमें फुल साइज़ है तो हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट्स जो है साइड किनारों का निकाल देना है ताकि हमारा जो ब्लैक बॉर्डर है वो दिखे, उससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसका इसलिए। और इसके लिए मैंने ग्लास यूज़ करा है। अगर आपके पास कटिंग मैट नहीं हो तो आप किसी भी ग्लास को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल के ऊपर ग्लास है तो उस पर भी कटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और फिर हम इसे यहाँ पर ग्लू की मदद से अटैच कर रहे हैं। यहाँ भी आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्लू यूज़ किया है, तो इसे भी अच्छी तरह से चिपका देंगे। हम सारे जो पेजेस हैं इसके वाइट वाइट दिख रहे हैं, यहाँ पर हम रेड रेड इसको कवर कर देंगे, तो इस तरह से हमारा जो पेज है वो पूरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप अपनी बेस में कैसे लगाएंगे, स्क्रैप बुक के बेस में इसे कैसे लगाना है। इस लास्ट वाले पे भी हम छोटा सा रेड कलर का पेपर लगा लेते हैं।
तो ये हमारा पेज बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। अब हम इसे लगाएंगे अपनी स्क्रैप बुक बेस में। उससे पहले जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट बड़ा सा था उसे मैंने थोड़ा सा कट करके बिल्कुल इजी गोइंग वे में सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे ब्लैक वाला, उसको थोड़ा सा कट करेंगे, लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर एंड लंबाई इसकी 22 सेंटीमीटर ही। इसकी मदद से हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्या करा था, सेलो टेप से करा था, तो यहाँ हम इसकी मदद से करेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बिल्कुल ना बिगड़े। तो इसे हमने बीच में से फोल्ड किया है, फिर वापस से फोल्ड किया, यानी 4 टाइम्स फोल्ड किया इसे, एक बार बीच में से एंड फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे इसी के ऊपर। तो ये 4 टाइम्स फोल्ड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसे वापस ओपन करेंगे और इसके अंदर जो 2 ब्लॉक्स बने हैं वहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। इसकी मदद से हम इसके सहारे से इस चीज़ से अपने बेस में जॉइन करने वाले हैं। तो जो अंदर का पार्ट है, अंदर के जो 2 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर में ग्लू लगा देती हूँ और साइडों वाले दोनों ब्लॉक्स को छोड़ देंगे। उसे अच्छे से प्रेस करके चिपका देते हैं। अभी जिन उनको दोनों को हमने चिपकाया है तो उनका जो एक पार्ट बचा है उसी साइड पर ग्लू लगाना है, दूसरे पार्ट पर ग्लू नहीं लगाना है। और उससे हमने जो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है उसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से पुट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे सूखने देना है। जब ये सूख जाए तो इसके जो पार्ट्स पे ग्लू नहीं लगा उनको कुछ इस तरह से ओपन करना है और वहीं पर ग्लू लगाकर हमें अपने इस पेज को ऐड करना है। तो ये है ना काफ़ी सिंपल तरीका और बहुत ही क्लीन। इसमें आपकी जो सेलो टेप है उसे कवर करने का भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से ग्लू अप्लाई करके अपने पेज को इजीली बस इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो ग्लू सूखने के बाद बहुत ही अच्छे से आपका जो पेज ओपन क्लोज होने लग जाएगा। और इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपका क्वेश्चन था कि थर्ड पेज कैसे लगाना है, वो सॉल्व हो जाता है। पिछले स्क्रैप बुक में जो थर्ड पेज था वो यहाँ पर फर्स्ट पेज है, मतलब कि डायरेक्शंस चेंज कर दी है मैंने, बाकी प्रोसेस वो का वही है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि मैंने उस चीज़ को समझाने के लिए इसे फिर से शुरू से बनाया है। जनरली मैं सेम स्क्रैप बुक दोबारा नहीं बनाती, पर लोगों की कमेंट्स और उस स्क्रैप बुक पर जितने सारे व्यूज़ थे उतनी सारी कमेंट्स थी, इसलिए मुझे ये फिर से बनाना पड़ा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट करके बता देना कि हाँ मुझे इस सेक्शन पर समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करूँगी आपकी सॉल्यूशन को फिर से सॉल्व करने की। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम जो हो सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। Subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates.